फीसदी अभी तक मतदान हुआ है। देखिए चिलचिलाती धूप जो है अब होनी शुरू हो गई है और ऐसे में अब वोटिंग प्रतिशत और कितना आगे बढ़ता हुआ जो है नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है पांचवें चरण में वोटिंग प्रतिशत कितना बढ़ सकता है? देखिए जी, मुझे ऐसा लगता है वोटिंग प्रतिशत मोर और लेस सेम ही रहेगा जैसे पिछले 2019 में रहा था। हमको देखने की चीज ये है कि अगर वोटिंग परसेंटेज में कोई असामान्य बदलाव नहीं है, इसलिए प्रदेश और देश में जो सरकार है उसके लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी की भावना नहीं है। अगर आप 2024 का चुनाव 14 का चुनाव देखिए तो बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग में जो काम उत्तर प्रदेश में करा था वो तब तक कोई नहीं कर पाया था, इसीलिए 70+ सीटें मिली थी। 19 में यूपी में सबसे बड़ा प्रयोग हुआ था जब अखिलेश और मायावती भी एक साथ आए थे, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं ला पाए थे। और अब हम 24 में देखें, जैसे आप देखें कि आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है या अभी यूपी में आज की सीटें मिला के 41 सीटें बचती हैं, तो इस बार विपक्ष ने भी सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश करी है। जहां पे जिस जाति का वोट ज्यादा है वहां पे वैसा कैंडिडेट दिया है, लेकिन उसमें इन्होंने मुस्लिम समुदाय को एक तो एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। दूसरे ये जो 14 का बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला 24 में अपना रहे हैं, उसमें एक बदलाव क्या है कि बीजेपी ने जो लाभार्थी नाम का एक वर्ग क्रिएट करा है पिछले 10 सालों में, वो किसी भी कास्ट क्रीड रिलीजन के अगेंस्ट वोट करता है। अगर आप देखिए जब पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन में अनाज मिलता है, 5 किलो अनाज मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, ट्रिपल तलाक का बेनिफिट है, तो ये जो वोट नया निकलता है ना, ये जाति के अगेंस्ट वोट करता है। इसी पैटर्न पे बीजेपी ने 8 से 10% वोट नया क्रिएट करा है यूपी और बिहार में, जिसमें यादव भी है मुस्लिम भी है, तो उनको ये एडेड एडवांटेज मिलती है। अब अगर हम आज के चुनाव पे आते हैं तो आप देखिए रायबरेली में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गांधी परिवार का जो कैंडिडेट है वो चुनाव के दिन अपनी सीट पे मौजूद है। ये देखने के लिए, जनता में ये विश्वास दिलाने के लिए मैं आऊंगा कि बहुत बड़ा बदलाव है। आजादी के बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गांधी परिवार का कोई कैंडिडेट अपनी सीट पे चुनाव के दिन आए। ये बदलाव है या डर, मनीष जी, ये बदलाव है या डर? देखिए हम इसे अच्छे शब्दों में बदलाव कहेंगे, ये डर नहीं है, ये जनता की ताकत। आप समझिए कि जनता ने ये एहसास दिखा दिया है कि जो हमें नहीं दिखेगा उसको हम वोट नहीं देंगे। डर जैसे एक सीट के लिए अगर कांग्रेस को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, जिसने यूपी और देश में 50 साल से ऊपर शासन करा है, तो उन्हें यह सोचना पड़ेगा। 2024 के चुनाव में कांग्रेस जो है आज तक की सबसे कम सीटें लड़ रही है, तो क्या वो किस तरफ जा रही है? आप देखिए किसी डिबेट्स पे कभी ये जिक्र नहीं होता कि कांग्रेस इंडिविजुअली क्या 100 सीट भी पाएगी। कांग्रेस के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। अगर कांग्रेस फिर 50 सीट पे भारत में सिमटती है तो विपक्ष में जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस से और दूर भागना चाहेंगे, वो जान जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। अगर आप इस चुनाव की और एनालिसिस करिए तो 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, राहुल गांधी की पार्टी 2014 में सत्ता से बाहर गई थी। 14, 19, 22, 24, 17, ये 4-5 चुनाव ऐसे हैं जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों यूपी की जनता से रिजेक्ट करे गए। उनके लिए ये अस्तित्व का समय है। 4-4 चुनाव वो लोग हार के आ रहे हैं, अगर एक चुनाव और हारते हैं तो 15 साल वो देश की सत्ता से बाहर रहेंगे। कांग्रेस पहले कभी भी 15 साल देश की सत्ता से बाहर नहीं रही। ये बहुत बड़ा इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है मनीष जी, लौटूंगी मैं आपके पास और प्रियंका जी की भी जो है उनका भी जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी देखिए, जो 14 सीटें आज जहां पर वोटिंग हो रही है, 2019 में 13 सीटें बीजेपी के खेमे में गई थी, एक रायबरेली की सीट बची थी और इस बार भी रायबरेली की सीट हॉट सीट बनी हुई है। हालांकि अमेठी भी हॉट सीट ही है, लेकिन रायबरेली भी खास फोकस जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, या यूं कहे कि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उनकी तरफ से रायबरेली पर खास फोकस किया जा रहा है। क्या मान रही हैं आप इसको, डर मान रही हैं या फिर वाकई में ये जो है कांग्रेस के लिए यहाँ पर जो है प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लगी है? नहीं नहीं ये जो आपने कहा प्रतिष्ठा, ये बिल्कुल डर तो नहीं, खैर हाँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा तो है ही, क्योंकि ये इनकी खानदानी पारिवारिक सीट रही है हमेशा से रायबरेली की। और पिछले कई सालों से जैसा कि मनीष जी कह रहे थे कि कभी भी कोई नहीं आया यहाँ पर चुनाव के समय में, कोई भी जो भी नेता हुआ वहां का, जो भी प्रत्याशी हुआ कांग्रेस की तरफ से, जो भी रहा कभी नहीं आया। और राहुल गांधी जी इस बार अपने आप को वहां प्रेजेंट करके ये दिखाने की दिखा रहे हैं लोगों को कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये एक प्लस पॉइंट लिया जा सकता है। जनता शायद बताना चाह रही हो, तो
अब ये कंफ्यूजन तो है ही कहीं ना कहीं, क्योंकि राहुल गांधी भी अपनी पूरी फॉर्म में है इस वक्त। ऐसा तो नहीं है कि केवल बीजेपी का ही ये दिनेश प्रताप सिंह जी का एक चेहरे के रूप में वहां पर उनको दिया गया है बीजेपी की तरफ से। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को भी कम नहीं हाँकना चाहिए इस वक्त, और पूर्ण तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंटेशन करने में मुझे लग रहा है कहीं भी वो कमी छोड़ नहीं रहे हैं। तो रायबरेली की सीट कहीं ना कहीं जो है प्रभुत्व कर रही है कांग्रेस का भी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आगे जो है वोटिंग रेट्स पर पता चलेगा, क्योंकि आज मैं एक चीज कहूंगी कि पांचवें चरण के चुनाव में लखनऊ में मैं यहाँ हूँ, और मैं भी कई सारे बूथ पे, क्योंकि हम लोग प्रभारी बनाए गए हैं, और कई सारी जगहों पर हम लोग राउंड ले रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। पांचवें चरण में बहुत अच्छी मतदान हो रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, जैसा आपने अभी कहा और अभी आप दिखा भी रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही कहूंगी कि लोग निकले और पूरी तरीके से अपने बहुमत के साथ वोट करें, और अच्छे से जो है इस लोकतंत्र के महापर्व उत्सव मनाएं। बिल्कुल, तो यही लगातार मेरी ये तरफ। अपील इंडिया न्यूज़ की तरफ से अपने दर्शकों से की जा रही है, और इसके साथ ही प्रदेश की जनता से लगातार हम ये अपील कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, हर एक वोट बहुत जरूरी है। फिलहाल आप लोगों को यहाँ पर रोकते हुए लौटूंगी आपके पास, लेकिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा है, हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। सर डीजीपी साहब मौजूद हैं, प्रशांत कुमार साहब अपने मताधिकार का प्रयोग करके आए। सर सर क्या कहेंगे आज आप मतदान के उत्सव में भागी? मैं इस उत्सव पे कहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें, प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान 14 विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में चल रहा है, जो कि 21 जनपदों में फैला है, और भारी व्यवस्थापन फोर्स का यहाँ पर है। सर बड़ी चुनौती रही आप लोगों के लिए इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए, व्यापक इंतजाम करने पड़े? नहीं, व्यापक व्यवस्थापन है, माननीय चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुपालन में व्यवस्थापन हो रहा। बिल्कुल, हमारे साथ डीजीपी प्रशांत कुमार थे जो बता रहे थे कि किस तरह व्यापक तरीके से इंतजाम किए गए, और लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लेने के लिए वो खुद अपने मताधिकार का प्रयोग करने आज यहाँ पहुंचे। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़। वहीं डीजीपी की पत्नी, प्रशांत कुमार की पत्नी जो है वो भी वोट डालने के लिए पहुंची, और इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे भी खास बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। हमारे साथ डिंपल मैम मौजूद है, मैम आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया आपने? मैं हर चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करती हूँ, और यहाँ मतदान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लोगों में बहुत जागरूकता आई है। थैंक यू। क्या कहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी होती है सर के ऊपर भी, बड़ा बड़ी बिजी शेड्यूल होता है, आपको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता होगा, और चुनाव ऐसी जिम्मेदारी है कि रातों दिन एक हो जाता है। देखिए, सबको अपनी जिम्मेदारी खुद फेस करनी पड़ती है। जी जी। जो बैकअप है घर का, उनका केयर करना, खाना पीना ये सब देखते हैं, जो पत्नी का काम है वो करते हैं। चुनाव में वोट भी ऑफिस के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जी, थैंक यू। हमारे साथ डिम्पल वर्मा मैम मौजूद थी, जो डीजीपी सर के साथ यानी प्रशांत कुमार के साथ यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी रहती है उनके खाने पीने का, व्यक्तिगत चीज़ों का ध्यान रखती हैं, लेकिन खुद भी वो IAS अफसर हैं, इसीलिए उनका कहना है कि काम में कोई हस्तक्षेप नहीं, हाँ लेकिन घर आने के बाद व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल उनका ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी। और आज साथ में दोनों यानी DGP और उनकी पत्नी डिम्पल वर्मा, जो खुद IAS अफसर हैं, आज यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं, वहां पर सपा के बागी विधायक से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनवाते हैं आपको। पूरे देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव के बयार है, हर कोई इस लोकसभा के चुनाव रूपी हवन कुंड में आहुतियां डाल रहा है वोट की अपने। हमारे साथ मौजूद हैं जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, जो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने राम के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, वो नाम है, वो शख्सियत है अभय सिंह। उन्होंने भी मतदान किया, उनसे जानेंगे कि किस मुद्दे पर आपने मतदान किया। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। किस मुद्दे पर आपने अभी मतदान किया? राष्ट्र के निर्माण के लिए, धर्म और संस्कृति रक्षा के लिए हमने वोट दिया है। मोदी जी का नारा इस बार 400 पार, कितना सार्थक होता नजर आ रहा है सर? आम आदमी, छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, गाँव में रहने वाला कोई भी जरूरतमंद, गरीब, असहाय, किसी वर्ग का आदमी है, हर व्यक्ति देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए, और जिस तरीके से धारा 370 खत्म किया गया है, जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सरदार पटेल के सपनों को पूरा किया है, तो सब राममय है। आप जमीन से जुड़े नेता हैं, अक्सर आप लोगों के बीच में रहते हैं, जो निचले तबके के लोग हैं उनको भी आप बहुत ही करीब से महसूस करते हैं,
जिस तरह से अखिलेश यादव ने भगवान श्री राम से दूरी बना रखी है, क्या लग रहा है इसका नुकसान उनको इस बार आज के चुनाव में होने वाला है? देखिए, राम यहाँ की पहचान है, श्री राम से ही सबका अस्तित्व है, और जो श्री राम को नहीं मानता है और उसको ये जनता देखेगी जी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि अब की मैं मोदी के रथ को रोक दिया है, मैंने रोक दिया है और हम भारी बहुमत से जीत करा रहे हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार बनने जा रही है? रिपीट हो गया, जिस तरीके से मोदी जी की सरकार ने काम किया है, कोरोना के पीरियड में योगी जी की सरकार ने काम किया है, उस तरीके से गांव रहने वाला आम जनमानस मोदी जी और योगी जी से प्रभावित होकर के लगातार उनके साथ है, राष्ट्र निर्माण के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए, जरूरतमंद असहाय की मदद लोग देखें किस तरीके से हुई है, उसके लिए आम जनमानस वोटिंग कर रहा है। अयोध्या से कैसा ग्राफ रहेगा इस बार? अयोध्या तो चारों तरफ से राममय है, अयोध्या राममय है जी। तो हमारे साथ थे गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह जी, जिन्होंने बेबाकी से बताया किस तरह से तैयारियां मुकम्मल हैं, प्रतिनिधित्व कौन करेगा देश का, जनता ने क्या मन बनाया है, किन मुद्दों के साथ यहाँ के लोग अपना मतदान कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। वहीं लखनऊ में सपा के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, इस चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 14 सीटों पर आज मतदान होना है, जिसमें कि लखनऊ अहम सीट मानी जा रही है, रायबरेली अहम सीट मानी जा रही है, अमेठी अहम सीट मानी जा रही है, गोंडा, फैजाबाद, हमीरपुर, जालौन से, यानी 14 सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें लखनऊ है। लखनऊ के इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी है, वर्तमान में जो विधायक भी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, रविदास मल्होत्रा, इनसे हम बात करते हैं। सर, आज मतदान हो रहा है, क्या लग रहा है? ब्रिजेश पाठक तो वोटिंग डाल रहे हैं, राजनाथ सिंह वोटिंग डाल रहे हैं, मीडिया से बात की, बोला कि बीजेपी पूरे 80 की 80 सीटें जीत रही है, समाजवादी और इंडिया गठबंधन हवा हवाई बातें कर रही है। लखनऊ शहर में परिवर्तन और बदलाव की लहर चल रही है, लखनऊ शहर ने आज इंकलाब कर दिया है और भारी संख्या में हम लोगों को मतदान होने का काम हो रहा है। जगह जगह पर प्रशासन, जहाँ हमारे वोट बैंक बहुत है, जैसे अकबर नगर है, वहाँ बहुत स्लो वोटिंग करने का काम हो रहा है और वहाँ पर हजारों लोगों की लाइन लगी हुई है। क्रिश्चियन कॉलेज में जो बूथ नंबर 107 है, उसकी मशीन खराब हो गई है, घंटे से हम लोग बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं और वहाँ जनता जो है वहाँ खड़ी है वो डालने के लिए हम लोगों के। जहाँ पर हमारा मतदाता है, जहाँ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब लोग हैं, वहाँ पर जानबूझ करके मतदान में देरी करने का काम हो रहा है। चुनाव आयोग से अनुरोध है कि जहाँ पर मतदान धीमा हो रहा है, वहाँ मतदान तेज करने का काम करें। अभी कंप्लेंट मिली है कि जो ये मॉडल हाउस है, यहाँ जो पोलिंग है, वहाँ मशीन में बीप की आवाज़ नहीं आ रही है और वहाँ ना पर्ची निकल रही है। तो ये जो है प्रशासन लगातार कर रहा, उस सबके बावजूद भी हम लोग भारी अंतर चुनाव जीतने का काम हो रहे हैं और भाजपा को पूरे प्रदेश में एक भी सीट मिलने वाली नहीं है, एक सीट टक्कर हो रही है और बाकी सीटें लोग जीत गए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वोट नहीं डाल पा रहे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार रहे, आप जीत रहे? नहीं, वोट डाल रहे हैं, वोट डालने की स्पीड बहुत धीमी कर दी है, जिससे लाइन बहुत लंबी हो गई है। अकबर नगर के अंदर जो है 500-700 लोग लाइन पर लगे हुए हैं, लेकिन वो सब मतदाता वोट डालेंगे। प्रशासन कितनी भी ढिलाई को करे, कुछ भी करे, चुनाव आयोग से अनुरोध ये है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की व्यवस्था करें, मतदाताओं को परेशान न किया जाए। जो मतदाता वोट डालने के लिए आ रहे हैं, ये उनका हक है, उनका अधिकार है, उनको वोट डालने में मशीनों में तेजी करने का काम हो। मैंने कहा क्रिश्चियन कॉलेज में जो बूथ नंबर 107 है, वहाँ की पोलिंग मशीन खराब और बंद पड़ी हुई है और वहाँ लाइन लगी हुई है, तो तत्काल रूप से वो मशीन जो है वो ठीक करा करके वहाँ पर चालू कराई जाए। ये तो 5वें चरण का मतदान हो रहा है, उसके बाद 2 ही चरण बचेंगे, क्या लगता है? बीजेपी अपना दावा कर रही है, आप अपना दावा कर रहे हैं, हकीकत में क्या है? अभी मैंने एक जनता से बातचीत की, कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा भैया कमल जीतेगी, हम कमल को इसीलिए वोट कर दे रहे हैं। नहीं, तो आप उनके यहाँ पर खड़े लोग हैं, किसी पूछिए आप जो है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी हार रही है। 4 जो चुनाव चरणों में हुए हैं, उसमें इंडिया गठबंधन बहुत आगे हो गया है और केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय है और उत्तर प्रदेश में
जो है एक सीट टक्कर हो रही है, बाकी सब सीटें हम लोग जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन जीतती है तो प्रधानमंत्री के दावेदार कौन होंगे, राहुल गांधी या अखिलेश? हम लोगों के वहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो सांसद तय करते हैं प्रधानमंत्री कौन होगा। भाजपा में तानाशाही है, वो तय कर देते पहले ही प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन नियम ये है कि जो सांसद जीत करके आते हैं वो तय करेंगे लोकतंत्र में कि उनका नेता कौन होगा। बिल्कुल, ये रविदास मल्होत्रा जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से लखनऊ सीट से प्रत्याशी भी है, वर्तमान में विधायक भी है, और इनका दावा है कि लोकतंत्र में सांसद ही अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। जो इंडिया न्यूज़ से इन्होंने बातचीत में ये बताया है कि लोग तमाम जगह वोटिंग की दिक्कतें हो रही है, तमाम जगह मशीन की दिक्कतें बता रही है, लेकिन ये जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि पूरी तरीके से सभी लोग हताश है, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़ लखनऊ। अपने गेस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रायबरेली चलेंगे जहां पर हमारे संवाददाता शिवप्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां से अपडेट लेते हुए फिर गेस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। शिवप्रसाद, इस वक्त रायबरेली में जो मतदान केंद्र है वहां पर क्या तस्वीरें नजर आ रही है, एक बार जल्दी से अपडेट दीजिए। देखिए, सुबह 7 बजे ज्यादा भीड़ थी, अब 11:30 बजे है, थोड़ी सी तेज उमस है और धूप है, लेकिन उसके बावजूद ही मतदाता जो है बड़े उत्साहित है, अपने अपने बूथों पर पहुंच जा रहे हैं। ये शहर का जहां मैं मौजूद हूं SJS है, यहां पर जो है बड़े स्तर से, क्योंकि शहर का इलाका है, शहर के लोग बड़ी संख्या में निकल के आ रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि पहले हम मतदान कर दें तब हम जाके काम करें। बहुत सारे देखिए बहुत लोग हैं, ये देखिए भाई साहब, ये वोटर का है, वोटर है जी। अच्छा है, तो क्या चल रहा था जैन में? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। कोई अव्यवस्था तो नहीं थी? खराब नहीं थी, सब बढ़िया काम हो रहा है और अच्छे से वोट पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बहुत जितने भी मतदाता मतदान करके निकल रहे हैं वे कहे कि वोट देने को लेकर के कोई अव्यवस्था नहीं थी। उनका पहले यह था कि लोकतंत्र के जो ये महापर्व है इसमें हम अपनी भागीदारी निभाए, तो बाकायदा उन्होंने भागीदारी निभाई और इन सब की जो मत है वे निर्णय करेंगे कि रायबरेली का सांसद किसे हम चुनेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, चलिए शिवप्रसाद बने रहिए हमारे साथ और अब मेहमानों की तरफ आगे बढ़ेंगे। मनीष जी, आपने सुना जो सपा के बागी विधायक अयोध्या से जो है अभय सिंह ने क्या कुछ कहा, किस तरह से वोटिंग जो है वहां पर, वो गोसाईगंज के विधायक हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पूरी अयोध्या राममय है और इसी को लेकर वोट डाले जा रहे हैं, संकेत उनके जो थे वो साफ नजर आ रहे थे। लेकिन इसके साथ ही लखनऊ में जो है सपा प्रत्याशी जो थे रवि मेहरोत्रा, उनका जो दावा था आपने सुना, क्या है आपकी राय? देखिए दीप्ति जी, इस तरीके की चीजें इलेक्शन में होती रहती है, कहीं वोटिंग मशीन खराब है, कहीं कुछ खराब है ये, और अभय सिंह जी का भी ये कहना बिल्कुल सही था कि देश का माहौल राममय है, उसको कोई डिनाई नहीं करते। आप देखिए बीजेपी की स्थापना जिस दिन से हुई थी ना, उस दिन से उनके मैनिफेस्टो में राम मंदिर रहता था, ये आज का मुद्दा थोड़ी है। बीजेपी जिस दिन से अस्तित्व में आई थी उस दिन से वो राम मंदिर को लेकर चलती थी, आज उन्होंने उसकी डिलीवरी दी है तो उसका श्रेय जरूर लेंगे। एक फिगर मैं आपसे शेयर करता हूँ, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, आज तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग जाके दर्शन कर चुके हैं। क्या ये यूपी के विकास का मॉडल नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने पर्यटन और टूरिज्म में जो डेवलपमेंट करा है, यूपी को एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में जो वो डेवलप कर रहे हैं, क्या इससे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था? 1 करोड़ लोग अभी 2-3 महीने में ही दर्शन करने आए, तो वो यूपी की इकोनॉमी को ऐड भी कर रहे हैं। हम लोग हमेशा डिस्कशन करते हैं कि महाराज जी की बुलडोजर वाली छवि है, पर आक्रामक छवि के हैं, लेकिन हम लोग योगी इकोनॉमिक्स और योगी जी की गवर्नमेंस के मॉडल को भूल जाते हैं। 5 साल में उन्होंने जो सरकार चलाई उसमें उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करा, आज इसका रिटर्न क्या आ रहा है? आप देखिए बुंदेलखंड वगैरह जहाँ की सीटों पर वोट पड़ रहे हैं, आज यूपी में सौर ऊर्जा की बात हो रही है, यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, यूपी में पर्यटन की अपार संभावनाएं आ रही है, विदेशी निवेश आ रहा है, लोग कॉलेज भी खोल रहे हैं, अस्पताल भी बन रहे हैं, तो जमीन पे वोटरों को ये चीजें पता चल रही है और इसका वोट आपको दिखेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो वोटिंग परसेंटेज में बड़ा बदलाव नहीं आ रहा, एंटी इनकम्बेंसी का वोट नहीं है, भाजपा की स्थिति को और अच्छे से रिपीट करेगी, 80 से कम 70-75 सीटों के बीच में जीत के आएगी और जनता ये जवाब देगी कि विकास का मॉडल क्या होता है, डेवलपमेंट का मॉडल क्या होता है। यूपी में ऐसे मुख्यमंत्री हुआ करते थे जो नोएडा जाने से घबराते थे कि नोएडा चले गए उस प्रदेश की सत्ता चली जाएगी, क्या चीफ मिनिस्टर ऐसे होंगे? यूपी की इन्वेस्टमेंट समिट की मीटिंग दिल्ली में होती थी,
इन्वेस्टर मीटिंग करने तक यूपी नहीं आना चाहता था। आज आप देखिए फरवरी में इन्वेस्टमेंट समिट की मीटिंग हुई थी यूपी में, अब हम लोग चुनाव में है मार्च अप्रैल में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में मंच से कहा था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि निवेशक चुनाव के समय भी ये नहीं सोच रहा कि चुनाव हो जाए तब हम अपना निवेश डिसाइड करेंगे। 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है। आज यूपी में सौर ऊर्जा की अलग पॉलिसी भी है, ग्रीन हाइड्रोजन की अलग पॉलिसी है। आज यूपी में 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने वाला है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की संख्या जो है 21 तक पहुंच जाएगी। तो ये विकास हो रहा है, ये जमीन पे जा रहा है, जो रोड एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, लोगों को आवागमन में आसानी हो रही है, इसका भी वोट पड़ता है। सिर्फ जातिगत समीकरण से वोट नहीं पड़ता, और ये जब डेवलपमेंट का वोट पड़ता है ये सारी समीकरण पे हावी हो जाता है, और तभी विपक्ष को ये समझ में नहीं आता कि ये ठीक है। मनीष जी आपके पास लौटूंगी। प्रियंका जी अभी आपने सुना जिस तरह से गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह ने अपनी बात रखी, इसके साथ ही रविदास मेहरोत्रा ने यह दावा किया कि इस बार केंद्र में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री कौन होगा ये डिसाइड नहीं है, चूंकि उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र के इस उसमें जो है जो सांसद चुन के आते हैं वो डिसाइड करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन बीजेपी में तानाशाही है, वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। जी देखिए उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि अभी उनको खुद ही नहीं पता, आपस में लड़ रहे थे कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन वाले। तो ममता बनर्जी नाराज हो गई थी, अरविंद केजरीवाल जी नाराज हो गए थे, इनमें आपस में भी पूछ पड़ रही थी। तो ये कहीं ना कहीं देखिए कंफ्यूजन तो इन लोगों के बीच में आपस में ही है कि किसको और जनता किसके चेहरे पर प्रधानमंत्री का वोट करे, ये भी तो सोचने वाली बात है। नरेंद्र मोदी जी एक उभरता हुआ 10 साल का उनका जो ग्राफ है प्रधानमंत्री के रूप में, उस चेहरे को जनता नकार नहीं सकती। जनता सिर्फ अगर प्रधानमंत्री को देख रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का मेन चेहरा नरेंद्र मोदी जी इस वक्त जो है सारे चुनाव में एक कहते हैं केंद्र बिंदु है, उस सिर्फ नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है। अगर आप राहुल गांधी को देख लीजिए तो राहुल गांधी का क्या मेच्योरिटी या क्या उनका एक ऐसा स्तर है कि कोई प्रधानमंत्री उनको भारत की जनता उनको कहे और कि भाई हाँ ये प्रधानमंत्री, या वो इंडिया अलायंस वाले भी किस चेहरे को लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये दावे जो कर रहे हैं ये सिर्फ भरमाने के लिए और अपनी बात को किसी तरीके से सही करने के लिए कि कुछ तो कहेंगे ना, अगर कुछ नहीं कहेंगे तो कैसे फिर जनता भी कैसे इन पे वो करेगी बिलीव करेगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी एक प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में दोबारा प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं राष्ट्र का, वो बात अलग है। हाँ बीजेपी में कई जगह पर जैसे कि मनीष भाई बता रहे थे अभी कि पिछले बार बीजेपी की जो चल रही थी जो ग्राफ चल रहा था उससे कई जगह पर जो है अच्छी वोटिंग होगी, और जो उधर का क्षेत्र है कर्नाटक तमिलनाडु ये हैदराबाद में भी इधर का जो साइड है इधर भी मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने विश्वास दोबारा दिखाया है। जो ये गठबंधन की सरकार है ये हिंदू मुस्लिम की बातों को ला करके एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है लोगों के बीच में, ऐसा नहीं है। एक पूरे पूरे भारत का चेहरा जो उभर करके पूरे विश्व के सामने आ रहा है, जैसे अभी मनीष जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहले क्या था और आज क्या है। आज हमें गर्व महसूस होता है कि हम उत्तर प्रदेश में के बाशिंदे हम रहते हैं और हमारा प्रदेश एक सुव्यवस्थित प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। वहां पर अलग अलग तरीके के जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं और जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का इतना बड़ा एक रोल प्ले किया अभी जनवरी में जो कार्यक्रम हुआ उसमें योगी आदित्यनाथ ने इनिशिएट किया और किस तरीके से एक विश्व के सामने एक चेहरा आया उत्तर प्रदेश का। मुझे लगता है कि ये सब बातें जो भी है निराधार है। देखिए प्रियंका जी अभी उत्तर प्रदेश का आप जिक्र कर रही हैं, लखनऊ से अभी एक जो है वोटर थे वो ये साफ कहते हुए नजर आते, मुद्दा कोई भी हो लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में शांतिप्रिय तरीके से वोटिंग हो रही है, जो कि पहले ऐसा नहीं हो पाता था। लॉ एंड ऑर्डर का उन्होंने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से अब जो है सुधरता हुआ नजर आ रहा है और पूरी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। तो यानी कि जनता को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है वहां की जनता वोट कर रही है।
नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैं खुद अभी फील्ड में ही हूँ और देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से चुनाव हो रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि इस वक्त जो है चुनाव में इतनी महिलाएं बुजुर्ग महिलाएं आ रही हैं और निकल निकल के आ रही हैं क्योंकि वाकई में लोगों के मन में ये चार चरण के चुनाव में जैसे लोग नहीं निकल रहे थे चीजें नहीं थी तो लोगों के मन में ये डर आने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेन कुर्सी जो हमारे प्रधानमंत्री के वो हिल ना जाए। तो मुझे लगता है ये कहीं ये डर जरूर है कि हाँ हमारे एक वोट से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्रधानमंत्री जो राष्ट्र हित में काम कर रहा है जो देश हित में काम कर रहे हैं जो यहाँ की सुव्यवस्था को चला रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो। बिल्कुल राष्ट्र हित को समझते हुए और देखिए जागरूकता बेहद जरूरी है और हर एक वोटर को ये समझना होगा कि वो इनका अधिकार ही नहीं जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करना है और अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। मनीष जी अगर हम बात करें कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की उनका जो बयान है अभी सामने आया है उन्होंने ये कहा कि मैंने तमाम राज्यों का भ्रमण किया है और बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है वो हाफ हो गई है, 400 पार का नारा जो बीजेपी दे रही है वो हाफ हो गई है। लेकिन देखिए राहुल गांधी ने भी तो न्याय यात्रा निकाली, कांग्रेस के नेता भ्रमण कर रहे हैं, क्या भ्रमण करने से न्याय यात्रा निकालने से जो लोगों के जमीनी मुद्दे हैं जो जनता के जमीनी मुद्दे हैं क्या उसका हल हो जाएगा? दीप्ति जी नसीमुद्दीन सिद्दीकी अवेलेबल होते तो मैं उनसे पूछता, वो ये बताए कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही है पहली चीज। दूसरी चीज पॉलिटिक्स अब पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि इलेक्शन से 6 महीने 3 महीने पहले आप जाके आएंगे यात्राएं निकालेंगे जनता के बीच में पहुंचेंगे। ये एक राउंड द क्लॉक 24 घंटे का जॉब है जो आपको करना पड़ेगा, पब्लिक के साथ जुड़े रहना पड़ेगा तब होगा। यात्राएं बहुत निकलती हैं, भीड़ बहुत होती है, वोट में तब्दील नहीं होती। मैं उनकी न्याय यात्रा का जवाब देता हूँ। राहुल गांधी जी ने 2 यात्राएं निकाली है, पहली यात्रा के बाद भारत में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में उस यात्रा का असर क्यों नहीं दिखा? सरकार पूर्ण बहुमत से 2/3 बहुमत से आई। राजस्थान में क्यों नहीं उस यात्रा का असर दिखा? जहां छत्तीसगढ़ में उनका शासन था वहां बीजेपी 2/3 बहुमत से जीत के आती है, वहां उस यात्रा का असर क्यों नहीं दिखा? उन्हें ये एनालाइज करना चाहिए कि यात्राओं की भीड़ को वो वोटर मान रहे हैं। वोटर भीड़ में आता है लेकिन जब वोट डालने जाता है तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते वक्त बहुत सी चीजों को देखता और समझता है। इसीलिए जैसे अभी आप यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही थी, 17 से 22 महाराज जी ने योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत काम करा लॉ एंड ऑर्डर पे। पिछले 2 सालों से उसी के रिजल्ट आ रहे हैं जो हम यूपी की अर्थव्यवस्था में बदलाव देख रहे हैं। पिछले एक साल में यूपी ने अकेले 1,00,000 करोड़ से ऊपर का जीएसटी दिया है भारत सरकार को। यूपी इस समय रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, यूपी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, यूपी इस समय प्रोग्रेसिव राज्यों में इंडिया में नंबर 2 पे है महाराष्ट्र के बाद और वो समय दूर नहीं है 27 तक कि हम $1 trillion इकोनॉमी यूपी को बनाएंगे और यूपी पहले राज्य के रूप में आके खड़ा होगा। तो ये चीजें जो है ना ये वोटर की ग्राउंड पे समझ में आ रही है, जिन रोड्स पे वो चलता तो है। गारंटी वर्सेस न्याय जनता किस पर जो है इस वक्त भरोसा करती हुई नजर आ रही है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि जनता ने ये अंतर माप लिया है कि कौन वादे करता है और कौन इन वादों को पूरा करता है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था कि हर किसान को हम 6,000 रुपए महीना देंगे, लेकिन उन्होंने उनको वोट ना देके बीजेपी को वोट दिया जिसने 6,000 रुपए साल दिए, लेकिन कम से कम वो उन्हें मिला। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 35,00,000 करोड़ अब तक लोगों के खातों में जा चुका है। तो लोगों को ये एहसास है कि कौन हमें देता है, कौन सिर्फ वादे करके जाता है। जो पार्टी 50 साल से ज्यादा देश में शासन करती है आज भी वो गरीबी बेरोजगारी की बात कहती है कि हमें 5 साल और दीजिए हम दूर कर देंगे। तो क्या 50 से 55 साल में कोई काम नहीं हुआ? क्या आपके पास अपने काम नहीं है पीछे के बताने के लिए कि हमने उस समय ऐसे करा था? एक फिगर मैं आपको और देना चाहता हूँ, 1977 में जब इंदिरा गांधी हारी थी तो भी 55,000 वोट से हारी थी और 2019 में अमेठी से जब स्मृति ईरानी जीती थी तो भी 50-52,000 वोट का ही फर्क था। इस बार आप देखिए रायबरेली में चुनाव टफ है। मैं ये नहीं कहता भाजपा अभी जीत रही है लेकिन कांग्रेस को भी एड़ी चोटी का जोर एक सीट पे लगाना पड़ा। बिल्कुल मुकाबला वहां कांटे की टक्कर जो है वो नजर आ रही है। इसी के साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों लोगों का, मनीष अग्रवाल जी और प्रियंका शुक्ला जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर लगातार वोटिंग जारी है, देखना यह होगा कि जनता किसे अपना सांसद किस सीट से जो है चुनती है। लेकिन इन सब के बीच आपको सीधे गोंडा लिए चलते हैं। गोंडा में पूर्व मंत्री रमापति शास्त्री से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूँ अनुराग, हमारे साथ पूर्व मंत्री रमापति शास्त्री हैं। इनसे बात करेंगे किस तरीके से आज मतदान हो रहा है पांचवें चरण में, कैसे देखते हैं क्या स्थिति होने जा रही है भाजपा की।
कैसे देखते हैं, चुनाव है शुरू हो गया सुबह 7 बजे, क्या स्थिति हो रही है? स्थिति तो हमको लग रहा है कि हर साल से अच्छी होने लगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़े हैं, राम माननीय मोदी जी का जो गारंटी है वो उससे लोगों का आस्था जगा है, और ये भी लगा है कि जो राम को लाए हैं उनको भी लाएंगे, ये भी तमाम लोगों के बीच में एक संदेश गया है जो लोगों को दिल में बस समा गया है, आ गया है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर रही होगी वो आगे बढ़ेगी। गोंडा से सांसद विभूषण सिंह और कैसरगंज से के बेटे करण भूषण सिंह हैं, और वही कैसरगंज से विभूषण सिंह के बेटे, वो कैसे देखते हैं? हम तो देखते हैं दोनों सीट हमारी जीतेगी, करण भी जीतेंगे और राजा भैया भी जीतेंगे, क्योंकि आम जनता का माहौल अयोध्या से पता हुआ है, उनको पता है कि स्थिति कैसे आगे बढ़ने वाली है। अब ये है कि थोड़ा सा धूप वूप होने के नाते मतदान थोड़ा कमजोर हो रहा था, लेकिन ठीक हो रहा है। जो दो लड़के निकले हुए हैं उनको क्या कहेंगे इंडिया गठबंधन में, नया गठबंधन बनाया क्या आपका राहुल अखिलेश ने इंडिया गठबंधन बनाया, क्या असर डाल पाएगा? अभी इसमें धोनी ये तय करें कि नेता कौन रहेगा, ये पहले तय करें कि व्यवस्था किसकी मानी जाएगी, तो पहले वो आपस में तय कर लें, इसके बाद मेरा नेता बने, अभी तो उनका वही नेता है कि कौन नेता है। अयोध्या में मंदिर बन गया है, इस चुनाव में कितना असर डाल रहा है? बहुत असर डाल रहा है, इसमें जो बड़े लोग तो थे ही, सामान्य वर्ग के लोग का तो है, इस बार अनुसूचित जाति के लोग भी बहुत आकर्षित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, तमाम लोग आए हैं, और भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भोले बाबा को तो अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा मानते हैं। जिस तरीके से डिम्पल आई थे रोड शो किए थे, क्या लगता है कितना ज्यादा मुर्गे रोड शो से तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो गया? किस तरीके से फायदा हो गया अब वो बताना ठीक नहीं है, क्योंकि लोग जान गए है कि उनका जुलूस जो निकला वो किनके साथ निकला, तो जो हिंदू जनता थी, हिंदू मतदाता थे, उनको लगा कि ये तो हम बड़े भ्रम में पहुंचने जा रहे हैं, उनको फिर ज्ञान हो गया और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। पांचवें चरण में क्या असर होगा भाजपा की? क्या अच्छा यूपी में अच्छा होगा, जो आपकी बार चार से पार जो होता है, 400 से पार होने वाला है, तो रोको नहीं पड़ता है, जब मतदान होने लगता है तो मतदाता ज्यादा साइलेंट रहता है, उसको समझ में नहीं आता, ये पहली बार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों ने मायावती को त्यागा है, पहली बार बैकवर्ड के लोगों ने समाजवादी को त्यागा है, और जिसको धोखा दे करके बरसों से काम करने वाले थे राहुल भैया, राहुल बाबा, उनको लोगों ने त्याग दिया, वो तो समझे नहीं लोग पाते कहते क्या है। इस भीषण में लोगों से क्या अपील करेंगे गर्मी में? इनसे मुझे आग्रह है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, मोदी जी के गारंटी के लिए आप आइए भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के सामने मॉल। ये थे पूर्व मंत्री और मनकापुर से विधायक रमापति शास्त्री जी, इन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी है, इन्होंने कहा है कि इस भीषण गर्मी में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, तो आने वाला वक्त ही बताएगा इस की देश में क्या स्थिति और किसकी सरकार बन पाती है। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। और आपको सीधे जालौन लिए चलते हैं, वहां पर यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, इस चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, जालौन पहुंचे हैं, गृह जनपद है, आप आज यहां पहुंचे हैं, आपने मतदान किया है, किन मौके क्या लगता है इंडिया गठबंधन क्या स्थिति रहेगी, आपने मतदान किया, क्या संदेश देंगे? पांचवें चरण में हम इतनी सीटें लेके आएंगे पिछले 4 चरण के चुनाव से भी ज़्यादा। आज आपके माध्यम से मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि वोट का जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, इसका प्रयोग हमें अपने हित के लिए करना चाहिए। जो साथी अभी तक वोट नहीं डाल पाए हैं, 6 बजे तक समय है, कोई भी साथी बिना वोट डाले ना रहे, हर साथी को, हर व्यक्ति को वोट डालने अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाना चाहिए, यही हमारा आपके माध्यम से। अमेठी की बात करें या रायबरेली की बात करें तो वहाँ क्या स्थिति है, देखा जाए लगातार जो है रैलियों का दौर चल रहा है, क्या लगता है कि अमेठी और रायबरेली की क्या स्थिति होगी, क्या कांग्रेस में कुछ बढ़ोतरी होगी या फिर कई या सत्ताधारी पार्टी का फिर काबू होगी? दोनों सीटें हम वहाँ जीत रहे हैं,
बड़े तगड़े से वहाँ मतदान चल रहा है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन वहाँ पर जीतेगा, ऐसे कोई रूप नहीं। बट गर्मी का माहौल है, वोटिंग परसेंटेज भी थोड़ा डाउन जा रहा है, क्या लगता है वोटिंग परसेंटेज डाउन होने से किसको फायदा है? नहीं, दो मिनट में कॉल कर दिया, ट्वीट कर दिया, सुबह जल्दी है, शाम को देर में। जो लोग वोट दोपहर में नहीं डाल पा रहे हैं, शाम 6 बजे तक वोट डालेंगे। जहाँ तक परसेंटेज का मामला है, परसेंटेज सीटों सीटों का अलग अलग महत्व है। किसी सीट पर किसी को फायदा है तो किसी सीट पर किसी को फायदा, ये इसको क्लियर नहीं किया जा सकता है। मेरा एक सवाल है आपसे, कांग्रेस के ऑफिशियल चैनल से एक वीडियो ट्वीट हुआ है जिसमें एक व्यक्ति एक लगा जो है लगातार वोटिंग कर रहा है, 8 बार उसने वोट किया है, क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ धांधली हो सकती है? अगर वीडियो आपने देखा है, हमने नहीं देखा है, और जो आप पूछ रहे हैं, अगर ऐसा है कि एक ही बच्चा लगातार 8-8 बार वोट दबा रहा है, तो ये तो सरकार का फेलियर, सरकारी इच्छा पर चल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र का नुकसान है, लोगों की भावनाओं को कुचलने का एक प्रयास है, ये सरकार का है। शुक्रिया, ये थे कांग्रेस का कहना है कि लगातार वोटिंग जो है वो जारी है और 9 और एक बार फिर इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। जालौन से इंडिया न्यूज़ के लिए आशीष शेवर। और आपको सीधे फतेहपुर लिए चलते हैं, वहां पर चुनावी माहौल क्या कुछ है, पोलिंग बूथ पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, उनकी खास रिपोर्ट देखिए। सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है और बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों की तरफ रुक कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का सीजन है तो लोग ठंडे में ही मतदान करना चाहते हैं। महिला मतदाताओं की बात करें तो वो भी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ फतेहपुर की जिलाधिकारी श्री इंदुमती जी मौजूद हैं इस वक्त बातचीत के लिए। मैम, सुबह से मतदान चालू है, किस प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से जिले के विभिन्न पोलिंग सेंटरों में मतदान चल रहा है? आपको हम अवगत कराना चाहेंगे, अराउंड 2,143 पोलिंग सेंटर से पोलिंग स्टेशन से हमारे अब सब जगह पे मॉक पोल समाप्त हो गया है और सब जगह पे वोटिंग है, सुचारू रूप से चल रहा है। 7-8 जगह पे मशीन खराब होने की सूचना आई थी, उसको तत्काल हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट को भेज के उसको ठीक करवा दिए, अब सब जगह पे सुचारू रूप से चल रहा है। आप तो उसको देख ही रहे हो, वो माहौल है, हमको त्यौहार का माहौल देना है तो हम दे भी रहे हैं। चाय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, सब कुछ की जो व्यवस्था है, जो वोटर्स को जितना सुविधा हम दे सकते हैं उसको हम प्रयास करके दे रहे हैं और शांतिपूर्ण। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी चुनावी कवरेज लगातार जारी है।